एसडीएम खरखौदा एक्शन मोड में। सोमवार को खरखौदा शहरवासी विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम खरखौदा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें शहरवासियों की मुख्य मांगे स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करवाने, कूड़े की सफाई, जलभराव, नालों की सफाई को लेकर रही। इस दौरान काफी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते दिन रविवार को खरखौदा शहरवासियों ने खरखौदा के वार्ड 2 में कम्युनिटी सेंटर में एक बैठक कर खरखौदा की समस्याओं का मुद्दा उठाया था। शहरवासियों द्वारा एसडीएम को खरखौदा की समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करवाने की बात कही। वही मामले में एसडीएम खरखौदा श्वेता सुहाग से तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर पालिका सचिव पंकज जून को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। वही सफाई को लेकर सचिव द्वारा कई दिनों का समय मांगा गया, लेकिन शहरवासियों ने मैन बाजार की सफाई सबसे पहले करवाने की बात कही गई। वही शहरवासियों के ये भी कहना है कि जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गई तो जल्द ही सरकारी अस्पताल को ताला लगाया जाएगा। वही एसडीएम खरखौदा ने जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। ट्रैफिक किया ना, सभी नोट खड़ी कर दिए, 5 मुलाजम आ गए, जैसे जैसे समय समय पर है ना बढ़ाते रहेंगे। 5 आदमी ला दिए और ये परमानेंट रहेंगे यहाँ, का मतलब नहीं है। सीपी साहब ने देखो, सीपी साहब ने परमानेंट कहा है, और ये जो एनसी वाले ना इनसे भी कोऑर्डिनेट करके आप भी थोड़ा कोऑपरेट करो, जो दुकानदार है ना वो भी थोड़ा कोऑपरेट करो, जो जमींदार आ रहे हैं ना वो भी ट्रैक्टर खड़ा करके चले जाते हैं बीच में, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। तो हम कर रहे हैं, हमारे ट्रैफिक वाले लगा दिए, बस स्टैंड लगा दिए, थाना कला चौक लगा दिए, आगे लगा दिए, 5 आदमी लगा दिए, और जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे हम। सीपी साहब से रिक्वेस्ट कर लिए, परमानेंट रखना सर, थोड़ा परमानेंट ही है, मंजूर कर दिए, मंजूर कर दिए यार, नहीं परमानेंट है। नमस्कार, सिकंदर दिया, मैं खरखौदा वासी। आज हम सब लोग मिलके, पूरी टीम, खरखौदा की टीम मिलके आज हम एसडीएम मैम से मिले थे। हमने ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने लिखा था खरखौदा की सफाई के बारे में कि पिछले कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी सफाई के वहां पर नहीं मिलता है। तो एक प्रॉब्लम बताई गई कि एक टेंडर था जो कि बंद हो गया है, नया टेंडर होने में और 3-4 दिन का समय बताया, लेकिन हमने मैम से और उनके जो नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि जितना जल्दी हो इसका समाधान किया जाए और साफ सफाई बाजार से लेकर के और सारे वार्ड्स में जा करके वो सफाई चालू हो जाए। तो 2-3 दिन के बाद हम फिर से एक इसका सोल्यूशन देखेंगे किस तरीके से हुआ है, अदरवाइज हम फिर से पेश होंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा ज्ञापन हमने सौंपा था कि खरखौदा का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो बंद है, उसकी सेवाएं जो हैं वो गरीब लोगों तक उनकी सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं। आज हमने एक अल्टीमेट दिया है कि उस अल्टीमेट से आज शाम तक इसका सोल्यूशन निकाल दिया जाए और सरकारी हॉस्पिटल जो है वो एक अच्छे स्तर पर चलता रहे। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गरीब आदमी का हक है सिर्फ वो सेवाएं चलती जाए, उसमें जो भी किसी का भी ट्रांसफर करना पड़े हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। सरकार से, चीफ मिनिस्टर से, किसी और मंत्री से अगर जाना है तो पूरा खरखौदा तैयार है। एक बार सारे हाथ उठा के बता दो कि खरखौदा परेशान है और हमें अपनी सेवाएं वापस चाहिए। धन्यवाद। अगर जल्दी ही सेवाएं नहीं चालू होती तो क्या किया जाएगा? जल्दी सेवाएं अगर चालू नहीं होती हैं तो सरकारी हॉस्पिटल पे ताला लगाया जाएगा। हमारी पूरी टीम तैयार है, एक रिक्वेस्ट का माध्यम हमने बनाया था, उसके साथ साथ ओपीडी पैरेलल चलाई जाएगी। जो डॉक्टर काम करना चाहेगा पहले वो हॉस्पिटल के बाहर काम करके दिखाएगा, तब उसको हॉस्पिटल के अंदर जाने की अनुमति। एसडीएम मैम ने आश्वासन दिया है कि जो सफाई की व्यवस्था शुरू होगी वार्ड वाइज, हर वार्ड में 2 आदमी इस काम के लिए डेप्यूट किए जाएंगे, एक तो पब्लिक का आदमी होगा और एक नगर पालिका की तरफ से होगा। डेली उनसे साइन कराया जाएगा कि आपके वार्ड में जो है सफाई की व्यवस्था ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई, ये मैडम ने आश्वासन दिया है। पहले तो 1 दिन का दे रहे थे कि कल से सफाई व्यवस्था शुरू हो जाएगी, लेकिन सेक्रेटरी साहब पहुंचने के बाद ये उन्होंने फिर 5-6 दिन के टाइम आगे बढ़ा दिया कि हमारा टेंडर भी फाइनल नहीं हुआ है, टेंडर फाइनल होने के बाद ही होगा और प्राथमिकता के आधार पर मेन बाजार वगैरह की सफाई कल तक करवा दी जाएगी। ये मेरे पास आज खरखौदा के नागरिकों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पे 3 शिकायतें मेरे संज्ञान में लाई हैं, जिसमें पहला है सिविल अस्पताल की सेवाएं बहाल करने के बारे में, दूसरा है खरखौदा में सफाई व्यवस्था ठीक करने के बारे में, और तीसरा है गंदे पानी की निकासी के बारे में। तो इसमें सिविल हॉस्पिटल का आज मैंने डिसाइड किया है कि एक बार दौरा भी किया जाएगा, साथ ही SMO को भी लिख दिया गया है कि 12 बजे तक जो डॉक्टर या जो नर्सेज या बाकी स्टाफ भी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नाम हमें दिए जाएं, ताकि उच्च अधिकारियों को कार्यवाही करने के बारे में भेजा जाए।
क्योंकि हेल्थ एक असेंशियल सर्विस है। यहाँ खरखोदा वासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है, PGI में या बाकी शहरों में जाना पड़ रहा है। तो इसलिए कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसकी सेवाएँ बहाल हो जाएँ। दूसरा, सफाई व्यवस्था के बारे में तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पीछे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था क्योंकि सफाई का काम ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था। तो उसके बाद अब टेंडर लगाया गया है जो कि फाइनली अभी वो खुलने के प्रोसेस में है, खुल गया है और आने वाले 3-4 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। तो शहर की सफाई व्यवस्था की जो समस्या है ये अपने आप ही दूर हो जाएगी। तीसरा, गंदे पानी की निकासी के बारे में यहाँ पे SDO पब्लिक हेल्थ भी मौजूद थी, साथ में सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी थी, दोनों को निर्देश दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे पंप लगा के पानी की निकासी की जाए। और उसके अलावा एक मीटिंग भी बुलाई जा रही है जिसमें हम उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ की स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं कि नाले नहीं हैं या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो गलत है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को मैं भेज रही हूँ बहुत जल्द। मैडम, जब तक ठेकेदार नहीं मिलता कोई भी सफाई वाला, तब तक वैसे कोई टेम्परेरी सफाई करवाई जाए? टेम्परेरी सफाई के बारे में जैसे मुख्य बाजार में काफ़ी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया था, तो इसके लिए सेक्रेटरी कमेटी को निर्देश दे दिए गए हैं कि आज ही अपने जो बाकी स्थायी कर्मचारी हैं उनको भेज के वहाँ से वो कूड़े के ढेर साफ करवाए जाएँ और शाम तक मुझे रिपोर्ट दी जाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।